मंत्री विधायक नाम क्या है यहाँ, बाकी सब सीएम के अफसर कहिए या खुद सीएम कहिए, जो मन करता है करते हैं, लेकिन सुनते नहीं। तो मेरे फादर जो हैं वो किसान हैं, ठीक है, और वो काफ़ी बुजुर्ग हैं, लगभग 75 साल के हैं, ठीक है, और वो खेती बाड़ी के भरोसे ही हमको पढ़ा रहे हैं। अरे बंगले बन रहे हैं, वो कौन सा विधायक का बन रहा है, हम लोग के लिए तो नहीं बन रहा है। जो नया नया गाड़ी आ रहा है विधायक लोग के लिए, वो तो हम लोग के लिए आ रहा है। तो फंड तो सही में नहीं है सरकार के पास, हम ही लोग बेवकूफ हैं जो यहाँ धूप में आए हुए हैं, बरसात का मौसम है, यहाँ बैठे हुए हैं। स्कॉलरशिप मिल नहीं रहा सर, तो हम लोग बहुत मुश्किल से फीस चुका पा रहे हैं, इधर उधर से पैसे वैसे लेके। कल्याण विभाग, उपायुक्त, जिला कल्याण विभाग, यहाँ रांची के मोराबादी में घूमते घूमते इतना चक्कर लगाएं कि अब हम लोग को भी चक्कर आने लगा अपना भविष्य का सोचने का। पहले आपने देखा था कि राज्य में सरकारी कर्मचारियों का क्या हाल है, 10-11 साल नौकरी करने के बाद सरकार कह रही है कि हम वेतन घटाएंगे, उसके बाद कई लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आज वैसे छात्रों का हम आपको दिखाने जा रहे हैं हाल, जो अपनी छात्रवृत्ति के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो आइंदा जो भी सरकार, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आपके सामने आकर अगर ये कहे कि पैसे की कमी नहीं है, तो आप उनसे पूछिएगा ये सवाल, तो फिर पैसा किसके लिए है, कहाँ खर्च कर रही है सरकार? अगर छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, कर्मचारियों को वेतन और बोनस नहीं मिल रहा है, तो वो पैसा और कहाँ जा रहा है? क्या सरकार इनके पैसे से सड़क बना रही है, सरकार इनके पैसे से बिजली का खंभा लगा रही है? ये सब सवाल है। अब ये लोग फाइनल के ईयर के छात्र हैं, अब ये लोग कुछ ही दिन में टीचर बन जाएंगे। सबने बीएड कर रखा, फाइनल ईयर का बात है, कई लोग इसमें इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, और ये लोग 2021-22 के लिए अपना चाह रहे कि भाई छात्रवृत्ति वाला जो पोर्टल खुला था उसमें कहानी ही नहीं था 21-22 का, लिहाजा ये लोग नहीं भर पाए। क्या हुआ दिक्कत मैडम आपको? सर हम लोग ओपन काउंसिलिंग से हैं, हाँ। और हम लोग का छात्रवृत्ति नहीं मिला है, जिस कारण से हम लोग धरना दिए हुए हैं। कितने साल का बाकी है? 1 साल का सर, और इस साल तो अभी आया ही नहीं है। तो आप लोग इसको लेकर कभी DSC, DO, चाहे DC सबसे बात की है, चाहे कल्याण विभाग में? हाँ सर, हम लोग सब जगह गए हैं, आखिरी उपाय यही लगा कि हम लोग यहाँ पे धरना दिए हुए हैं। सब जगह से थक गए, यहाँ सब है कि सिर्फ ST SC के बच्चे लोग हैं? OBC वगैरह सब हैं। हाँ सर। तो क्या हुआ, आप लोग कभी इसको लेकर शिकायत की है कि सर 21-22 का पैसा मांग रहे हैं? सर हम लोग कल्याण विभाग, उपायुक्त, जिला कल्याण विभाग, यहाँ रांची के मोराबादी में घूमते घूमते इतना चक्कर लगाएं कि अब हम लोग को भी चक्कर आने लगा अपना भविष्य का सोचने करके। और ऐसा नहीं, हम लोग सीधे सीधे सरकार से अब यही सवाल कर रहे हैं कि बताइए सरकार हमारा छात्रवृत्ति अब क्या किए हैं, क्योंकि एक साल से हम लोग चक्कर लगा रहे हैं। एक तो हम लोग पोर्टल में आवेदन नहीं कर पाए, हमारा एडमिशन हुआ। क्या ऑप्शन नहीं था या समय कम था, क्यों नहीं आवेदन हुआ? ये झारखंड का सिस्टम ही पूरा फेल है, यहाँ पे एडमिशन का सत्र कोई भी सही से चलता नहीं है, 6-6 महीने तक काउंसलिंग चलते रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग ने ओपन काउंसलिंग में एडमिशन लिया, उससे पहले ही पोर्टल बंद कर दिया गया। तो हम लोग जब स्कॉलरशिप नहीं भर पाए, तो हम लोग विभाग को ये जानकारी दिए कि हम लोग नहीं भर पाए, हम लोग को भरने का मौका दिया जाए, तो बोले कि कुछ समय के बाद खुल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। समय बीतते गया, सिर्फ हम लोग को बोला गया अब खुल। आश्वासन कितना महीना पहले मिला? हम लोग का लगभग 5-6 महीना पहले का बात है ये। आप कहाँ से आती है और आपके घर वाले क्या करते हैं, कितना जरूरी है ये स्कॉलरशिप? सर मैं सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली हूँ, मैं मांडर प्रखंड की हूँ, और वहीं पे कॉलेज है भारती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मैं वहाँ से बीएड कर रही हूँ और मैं द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। और बात रही कि स्कॉलरशिप की कितनी ज़रूरत है, तो मेरे फादर जो हैं वो किसान हैं, ठीक है, और वो काफ़ी बुजुर्ग हैं, लगभग 75 साल के हैं, ठीक है, और वो खेती बाड़ी के भरोसे ही हमको पढ़ा रहे हैं। तो और जो मुझे मतलब बीएड करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन स्कॉलरशिप के बारे में जानने के बाद मुझे बीएड करने की हिम्मत मिली, लेकिन बीएड मतलब स्कॉलरशिप मिल नहीं रहा सर, तो हम लोग बहुत मुश्किल से फीस चुका पा रहे हैं, इधर उधर से पैसे वैसे लेके। तो ज़रूरी तो है सर। अच्छा ये सब जितना कॉलेज है आप लोग का, ये सब अप्रूव्ड कॉलेज है? तो अप्रूव्ड कॉलेज है। मैं तो फिर क्या दिक्कत है? नहीं देखिए, दिक्कत यह है कि पहले तो मैं शुरू से बताना आपको चाहूँगा
कि मेरा नाम अनूप कुमार महतो हुआ, मैं आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कुद्रुम नगड़ी में है, वहाँ का छात्र हूँ। 21-23 मेरा सेशन है। हुआ क्या है कि 21-23 बैच में 21-22 वर्ष में वहाँ हम लोग का एडमिशन हुआ है 4th काउंसलिंग में। टोटल 5 काउंसलिंग हुआ था और एक ओपन काउंसलिंग जो लास्ट में होता है। तो 4th काउंसलिंग, 3rd काउंसलिंग तक तो ई पोर्टल खुला था, लेकिन 4th काउंसलिंग के बाद ई पोर्टल बंद हो गया। उस वर्ष जो है पंचायत चुनाव हो रही थी, तो जब हम लोग गए कल्याण पदाधिकारी के पास तो वो लोग बोले कि अब पंचायत चुनाव इस साल नहीं खुलेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो है जब ई पोर्टल खुलेगा तो उसमें 21-22 और 22-23 दोनों के लिए जो है छात्रवृत्ति फॉर्म भरा जाएगा, ऑप्शन रहेगा। हाँ, दोनों ऑप्शन रहेगा और आप लोग जो है भर सकते हैं। लेकिन जब इस वर्ष जब ई पोर्टल खुला तो केवल 22-23 का ऑप्शन वहाँ है, वहाँ 21-22 का ऑप्शन नहीं है। तब तो कितना मिलता है, 40-40 हज़ार के आसपास मिलता है? फर्स्ट ईयर में लगभग 40,000 और सेकेंड ईयर में 60,000। और दूसरा चीज़ कि ये तो हो गया मान लेते हैं जो नहीं खुला, लेकिन भी हम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलो भाई, सरकार बहुत बिजी रहती है, भूल जाती है। तब हम लोग क्या किए कि हम लोग जो है मुख्य चंपई सुरेन जी को जो है, जो विभाग के मंत्री है, उनको आवेदन दिए और बार बार रिमाइंड भी किए, मुख्यमंत्री को आवेदन दिए। यहाँ तक कि जब वे दोनों नहीं सुने तो हम लोग राज्यपाल महोदय को भी आवेदन दिए और सबका रिसीविंग भी है। यहाँ तक कि जो मांडर की जो विधायक हैं शिल्पा न्यातिर की, वो भी आश्वासन दी कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मथुरा प्रसाद महतो जो टोंडी विधायक है, जो सचेतक हैं, वो अपना लेटर पेड में जो है अनुशंसा भी करके जो है चंपई सुरेन को और मुख्यमंत्री को भी दे चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि टोटली केवल मंत्री विधायक नाम के हैं यहाँ, बाकी सब सीएम के आप अफसर कहिए या खुद सीएम कहिए, जो मन करता है करते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। तो ऐसा नहीं ना कि आप लोग कितना होंगे संख्या में, मान लीजिए अगर सब कॉलेज मिला ले? लगभग 5-7 हज़ार होंगे। 5-7 हज़ार? हाँ। तो 40-40 हज़ार सबका बचा लिया सरकार, तो ये भी तो तर्क हो सकता है। हम लोग का अप्रूव DWO तक अप्रूव हो चुका है, लेकिन साल भर से अभी तक पैसा नहीं आया है, दोनों ईयर का भी नहीं है सर। ये DWO तक अप्रूव हुआ, उसके बाद आगे का प्रोसेस बढ़ ही नहीं रहा है। इसके आगे फाइनल अप्रूव हुआ नहीं आज तक, साल भर से रुकी हुई है, एक बार भी नहीं आया। अच्छा, आप लोग चतरा से हैं? जी सर, लाला प्रीतम बीड कॉलेज चतरा से हैं। 3-4 अफसर जगह अप्रूवल होता है। हाँ। तो उसमें से देखिए DWO और DLC अप्रूव्ड है। लास्ट फाइनल अप्रूव्ड जो होता है, जो डबल है ऑफिसर, डबल है ना ट्रिपल, जो होता है वो हो ही नहीं रहा है और एक साल से हो इसमें। तो फिर OBC और OBC ST SC के लिए क्या कर रही है सरकार? देखिए, ST SC OBC का हाल बुरा है नहीं, लेकिन एक बात तो हो सकता है ना, सरकार का तर्क होगा कि मेरे पास पैसा का कमी है, बोल नहीं पा रही होगी लाज से। सरकार, हम लोग तो जैसे पढ़े लिखे हैं ही नहीं, अनजान है, अनपढ़ है। जो बड़े बड़े बंगले बन रहे हैं वो कौन सा विधायक का बन रहा है? हम लोग के लिए तो नहीं बन रहा है। जो नया नया गाड़ी आ रहा है विधायक लोग के लिए, वो तो हम लोग के लिए आ रहा है। तो फंड तो सही में नहीं है सरकार के पास। हम ही लोग बेवकूफ़ हैं जो यहाँ धूप में आए हुए, बरसात का मौसम में यहाँ बैठे हुए हैं। और ये सरकार का इस बार नहीं हो रहा है, 2021 में भी यही प्रॉब्लम हुआ था, जिसको लेकर के 3 दिन तक भूख हड़ताल हुआ था। तो ये लगातार सरकार की गलती है और स्टूडेंट उनको बार बार बताते रहते हैं। तो कब तक आप लोग आंदोलन कीजिए? हम लोग का मांग सर जब तक पूरा नहीं होगा, क्योंकि यही स्कॉलरशिप ही भरोसे हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है, और भविष्य अगर खराब हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, ये सरकार गरीबों की सरकार है, ST SC OBC का खास ख्याल रखती है। देख लीजिए, यहाँ पे जो भी छात्र हैं ST SC OBC कैटेगरी से आने वाले हैं, 40-40 हज़ार रुपये का एक, और अगर सेकेंड ईयर का आप देखें तो 60 हज़ार। इतना पैसा सरकार के पास अभी नहीं है, ये कहें, या सरकार का सिस्टम इतना फेल है कि इनकी आवाज़ उनके कान तक नहीं पहुँच पा रही है। खैर, उस तस्वीर को जब हम देखते हैं, वहाँ मुख्यमंत्री जी को उठा दीजिए थोड़ा एक बार। एक मन में ये संतुष्टि रहती है कि कम से कम उनके सामने छात्र लोग आंदोलन करते हैं, और वो आज यही इस उम्मीद के साथ हैं। अब देखिए इन छात्रों का क्या होगा। DWO और DLC से भी अप्रूव्ड है और AAO से अप्रूव्ड होना है, वो भी नहीं हो रहा है, और पिछले कई महीनों से नहीं हो रहा है। सिस्टम ऐसे ही चलते रहेगा, सरकार को इसमें थोड़ा तेजी दिखाना चाहिए। और चंपईदा, जब आप कहते हैं कि पैसा का कमी नहीं है तो इन बच्चों को क्यों नहीं मिल रहा है, इसका भी जवाब आप ज़रूर लिखिएगा। और जो BEd से संबंधित छात्र हैं,
वो अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में लिखेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये खबर सरकार के कान तक जरूर पहुँचेगी। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। The followup.in like share and subscribe www.thefollowup.in